हमने सीखा। एक, कोई संख्या परिमेय संख्या कहलाती है यदि इसे p बटे q, जहाँ q बराबर नहीं शून्य, के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक हैं। दो, कोई संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है यदि इसे p बटे q, जहाँ q बराबर नहीं शून्य, के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक हैं। तीसरा, दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों परिमेय संख्याओं का औसत अर्थात माध्य लेते हैं। चौथा, दो परिमेय संख्याओं के बीच इतनी अधिक परिमेय संख्याएं होती हैं कि हम उन्हें गिनकर नहीं बता सकते हैं। पांचवा, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। छठवां, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। सातवां, वर्गमूल दो, वर्गमूल तीन, वर्गमूल पाँच, पाई संख्या अपरिमेय संख्याएं हैं। आठवां, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। नौ, संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक अद्वितीय वास्तविक संख्या होती है, साथ ही प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है। दस, एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या को आपस में जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए व भाग किया जाए तो मान अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। ग्यारह, एक बटे वर्गमूल ए ऋण बी के हर का परिमेयकरण करने के लिए इसे हम वर्गमूल ए धन बी बटे वर्गमूल ए धन बी से गुणा करते हैं, जहां ए और बी पूर्णांक हैं।